बेंगलुरु के लोगों के लिए बहुत बड़ी खुशखबरी, क्योंकि अरेबियन फूड के लिए आपको कहीं और जाने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि अल मकीस रेस्टो ला रहा है आपके लिए लेट्स ईट। जी हाँ, लेट्स ईट अभी ब्रांच आ चुका है बैक गेट ऑफ MS रमैया कॉलेज, AK कॉलोनी, गोकुला, फर्स्ट स्टेज, मतिकेरी, बेंगलोर। इसे इनॉग्रेट किया हजरत अलहज डॉक्टर शेख शाह मोहम्मद अफजल जुनेदी सिराज बाबा, जी हाँ, जो कि जानशी हैं सज्जादा नशीन बारगाह हजरत शेख के दक्कन रहमतुल्लाह अलैह। इस मौके पर कई सारे दिग्गज लोग यहाँ पर मौजूद थे और सब ने इस कॉन्सेप्ट की तारीफ की और लोगों को ये एम्बियंस और यहाँ का टेस्ट काफ़ी पसंद आया। आइए देखते हैं अल मक्की रेस्टोरेंट के लेट्स ईट के शॉर्ट हाइलाइट्स। अभी हमारे साथ है सिराज बाबा साहब जो गुलबर्गा से बैंगलोर आए हैं यहाँ ओपनिंग पे। अल मक्की जो नया ब्रांच कायम हुआ लेट्स ईट के नाम से, ये लोग जो है तकरीबन 5 साल से गुलबर्गा में जो है अपना अल मक्की रेस्टोरेंट चला रहे हैं, जहाँ पर अरबियन डिशेस जो है खासकर मंदी वहाँ पर बहुत ज़्यादा मशहूर है। तो मैं इनको जो है दिल के गहराइयों से मुबारकबाद देता हूँ और साथ में जो है दुआ करता हूँ कि अल्लाह ताला इनके कारोबार में खूब तरक्की और बरकत अता फरमाए, और बेंगलोर के लोगों से ख्वाहिश करता हूँ कि यहाँ पर आकर टेस्ट लें और ज़्यादा आकर यहाँ पर, क्योंकि 5 साल इनका तजुर्बा है अरबीन डिशेस का। आज मतिगिरी MS रमैया बैक गेट पर अल मक्की रेस्टो लेट सीट के नाम पर एक रेस्टोरेंट का इनॉग्रेशन फजीलत माब डॉक्टर शेख शाह मोहम्मद अफजलुद्दीन जुनेदी साहब अलमारूफ सिराज बाबा साहब के हाथों अभी हुआ। इस मौके पर मैं इस रेस्टोरेंट के ओनर जनाब सैयद अलीमुल्लाह हुसैनी अलमारूफ खिजर हुसैनी और अमानुल्लाह हुसैनी इनके भाई को और इनकी पूरी फैमिली को मैं अपनी जानिब से कॉन्ग्रेचुलेट करता हूं। ये गुलबर्गा में इसका फर्स्ट ब्रांच है, सेकेंड ब्रांच यहां पर बेंगलुरु में इन्होंने ओपन किया है। गुलबर्गा में गुलबर्गा के लोग, हैदराबाद कर्नाटका के लोग इनके रेस्टोरेंट को आते हैं और अरेबियन फूड का लुत्फ़ उठाते हैं। वहाँ पर गुलबर्गा में सर्व करते करते अब बेंगलुरु के लोगों के लिए भी एक ये खुशखबरी है, एक अच्छा मौका है कि यहाँ पर भी अल मक्कीस रेस्टो लेट्स ईट के नाम पर आपके सर्विस पर आया है और वो अरेबियन फूड के साथ इंडियन, चाइनीज़, मुगलाई, तंदूर और डिफरेंट टाइप के रोल्स और मॉकटेल के साथ कई एक डिफरेंट वैरायटीज़ ऑफ फूड लेकर आया है। स्टूडेंट्स फ्रेटर्निटी के लिए स्पेशली पार्टी हॉल भी है, फैमिली सेक्शन भी है और उसके बाद में फैमिलीज़ के लिए भी बहुत अच्छे अरेंजमेंट्स हैं यहाँ पर। आप अगर आपके स्पॉट पर केटरिंग करना चाह रहे हैं, वहीं पे मजलिस को सेटअप करना चाह रहे हैं, तो ये लोग वहाँ पर आपके वर्क प्लेस पर, आपकी प्लेस पर आकर भी ये मजलिस सेटअप कर पूरे अरेंजमेंट्स कर देंगे, जिस तरीके से गुलबर्गा में कर रहे हैं। फिर से आखिर में मैं खिजर साहब और अमान साहब और उनकी फैमिली को कॉन्ग्रेचुलेट कहता हूँ। अभी हमारे साथ ही खिजर हुसैनी जो होटल के ओनर है। तो सर, आपकी पहली ब्रांच जो 2014 में स्टार्ट हुई है गुलबर्गा में, तो आपने 6 साल बाद यहाँ डिसीजन लिया कि यहाँ पे ओपन करें, तो आपको ये आइडिया कैसे आया कि बेंगलोर में ओपन करना है नया ब्रांच? जी अल्हम्दुलिल्लाह, मतलब जैसा स्टार्टअप जैसा करे थे हम, सिक्स ईयर्स का जो एक्सपीरियंस था, और अक्सर बेंगलुरु के लोग हमारे पास आते थे। अच्छा। तो ऑन डिमांड मतलब वो जैसा हमारे को ये कर रहे थे कि बेंगलुरु आइए, स्टार्टअप करेंगे यहाँ पे। जी। तो बस वही वो कस्टमर्स का उनको वो देखते हुए करते हुए हम बोले चलो हम इंशाल्लाह यहाँ स्टार्ट करेंगे बोल के। जैसा कि हम लोग देख रहे हैं बेंगलोर में करीबन 2-3 साल से अरेबियन फूड का ट्रेंड बहुत ज़्यादा बढ़ गया है। हर होटल में मंदी स्पेशलिटी है या खपसा राइस स्पेशलिटी बन रहा है, तो आप लोग भी इसी में स्पेशलिटी है, तो आपका क्या डिफरेंस रहेगा इन होटल से? डिफरेंस कुछ भी नहीं रहेगा, जैसा हमारी कोशिश ये रहेंगी कि जो बेस्ट टेस्ट हो सकता राइट।
जैसे अरेबियन डिश में जो टेस्ट दे सकते हैं, मतलब जो बेस्ट जो कर सकते हैं हम इंशाल्लाह करने की कोशिश कर रहे हैं। और अरेबियन में जैसा मंदी है, खप्सा है, फहम है, ये मतलब ये सब जो जैसा हम मशहूर चल रहे हैं, मतलब जैसा गुलबर्गा में हम जो करते आ रहे हैं, जैसा मशहूर चल रहे हैं, इंशाल्लाह हमारी कोशिश यही रहेगी कि यहाँ पे भी हम जो बेस्ट हमारा हो सकता है इंशाल्लाह हम पूरी कोशिश करके। तो जैसे आपने जो लोकेशन चूज़ की है वो काफ़ी रेजिडेंशियल भी है और एक कॉलेज के नज़दीक भी है, बहुत बड़ी कॉलेज है, मेडिकल कॉलेज के बाजू है। तो क्या आप स्टूडेंट से अपील है, आपका स्टूडेंट से क्या अपील है और आप क्या उम्मीद रखते हैं स्टूडेंट से यहाँ पे? बस स्टूडेंट्स मतलब वही, मतलब अब दूर दूर से आके रह रहे हैं, मतलब जैसे कश्मीर है, यूपी है, उड़ीसा है, वहाँ से आके रह रहे हैं, उनको सर्व करना जो बेस्ट हम कर सकते हैं ना, मतलब बच्चों को, अब बच्चे हैं उनको, मतलब जो सर्व कर सकते हैं हम जो बेस्ट सर्व कर सकते हैं इंशाल्लाह करने की कोशिश करेंगे। और जैसा आप वहाज बाबा बोले कि फैमिली मतलब घरों पे भी जो सेटअप करना चाह रहे हम वो भी करने की कोशिश करेंगे जल्दी इंशाल्लाह, मतलब जो जो हो सकता है इंशाल्लाह पूरी करने की कोशिश करेंगे। मतलब जो अब साहिब टिपला से मतलब उनके ज़रिए ओपनिंग हुई है सिराज बाबा, उनके मतलब दिल की गहराई से हम शुक्रिया अदा करते हैं। जैसा वहाज बाबा है, मेरी फैमिली है पूरे, मेरे बड़े भाई सुबाए में हैं, और जो भी जो जो मेहमान आए हुए हैं उनका तहे दिल से हम शुक्रिया अदा करते हैं इंशाल्लाह। ज़्यादातर फ्रेंड्स और फैमिलीज़ कम्मनली रिजॉर्ट टाउन जाते थे, जैसे कि मजलिस सेटअप रहता है कॉन्सेप्ट और अरबियन कॉन्सेप्ट जो भी है, हम लोग कम्मनली रिजॉर्ट टाउन कोरमंगला ही जाते थे। अभी इस सराउंडिंग पे जो मत्तीगिरे सराउंडिंग पे पहला ऐसा एक अरबियन सेटअप हमको मिला है, हमको नियरेस्ट और सेटअप में हमको थोड़ा डिफरेंट ये लगा है। यहाँ के मंदी बेंगलुरु में हम बहुत खा चुके हैं, हमारा पैशन है मंदी खाने का, तो यहाँ पे थोड़ा डिफरेंट हमको मंदी मिल रहा है, जैसे कि दुबई स्टाइल में है और थोड़ा अलग ही टेस्ट इसमें इम्प्लीमेंट किया हुआ है, हमको बहुत अच्छा लगा। मंदी टेस्टी है और हम लोग ग्रिल भी टेस्ट किया था, वो भी माशाल्लाह बहुत अच्छा है। टेस्ट एला ತುಂಬ ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ, ಒಂಥರ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಟೇಸ್ಟ್ ಇದೆ, ಮಸಾಲ ಟೇಸ್ಟ್ ಇದೆ, ಮಂದಿ ಜನರಲಿ ಪ್ಲೇನ್ ಇರುತ್ತೆ ಬಟ್ ಸ್ವಲ್ಪ ಸ್ಪೈಸಿ ಇದೆ ಇದರಲ್ಲಿ, ಸೊ ಬೆಂಗಳೂರು ಪಬ್ಲಿಕ್ಗೆ ಇದಿಷ್ಟ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಈಗ MS ರಾಮಯ್ಯ ಇಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್ ಕಾಲೇಜ್ ಹತ್ರ ಮತ್ತಿಕೆರೆ ಹತ್ರ ಓಪನಿಂಗ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ, ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ, ಬಟ್ ಸೆಟಪ್ ತುಂಬ ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ, ಸಮಥಿಂಗ್ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಆಗಿದೆ. ಅ ವೆರಿ ಗುಡ್ ಆಂಬಿಯನ್ಸ್, ಐ ಹ್ಯಾಡ್ ಡಿನ್ನರ್ ಈವನ್ ಎಟ್ ಗುಲ್ಬರ್ಗಾ, ಸಿನ್ಸ್ ದೇ ಆರ್ ಓಪನಿಂಗ್ ಇಟ್ ಇನ್ ಬ್ಯಾಂಗ್ಳೂರ್, ಇಟ್ಸ್ ರಿಯಲಿ ವೆರಿ 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 ಹ್ಯಾಪಿ ಟು ಹ್ಯಾವ್ ದೆಮ್ ಹಿಯರ್ ಇನ್ ಬ್ಯಾಂಗ್ಳೂರ್. ವೆರಿ ಗುಡ್ ಫುಡ್, good ambience, and we have a homely atmosphere as well at this juncture. Do you find the prices reasonable here? Very reasonable. Alright. Very reasonable. So Bengaluru, I am right now with the kitchen team and let's listen to them if they have a message for you all. We are waiting to serve the Bengaluru. You're waiting to serve the Bengaluru. So aap logon ki speciality kya hai, aap log kya sabse behtareen, aap logon ki individual speciality kya hai, aap kya banate ho? Shawarma. Shawarma. Aur aap? Mandi. Mandi. Aap? Tandoor. Tandoor mein. यहाँ पे ऑल कोर्स ऑफ मेन्यू है, सब कुछ है, फ्रॉम अरेबियन मंदी टू चाइनीज टू मुगलाई टू तंदूरी. तो बेंगलुरु किस बात का वेट कर रहे हो आप लोग, आ जाओ अभी.